आज शिरडी में हम दर्शन करेंगे खंडोबा जी के। काफी सारे भक्तों के मन में यही विचार आता है कि खंडोबा जी कौन है, साईं बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा और किसने दिया ये नाम। तो आपकी इस जिज्ञासा को दूर करेंगे और साईं प्रसादालय चलकर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मकर साईं का। आज का दिन है बृहस्पतिवार और शिरडी में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं साईं बाबा के मुख दर्शनों के लिए। मुख दर्शन दूर से होते हैं, परंतु सुकून और परम आनंद उतना ही होता है जितना कि बाबा के करीब से दर्शन करने पर। अब हमारे कदम बढ़ चले हैं लक्ष्मीबाई शिंदे जी के घर की ओर, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लक्ष्मीबाई जी को बाबा ने समाधि लेने से पहले 9 सिक्के दिए थे, जो कि अभी भी इस घर में मौजूद है। और अब दुकानों के सामने से दुकानदारों के इनविटेशन को अस्वीकार करते हुए कदमों को खंडोबा जी के मंदिर की ओर बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि मंदिर की लाइनों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लीजिए, पहुंच गए खंडोबा जी के मंदिर। खंडोबा जी के दर्शन के साथ ही आपकी जिज्ञासा का निवारण भी करते हैं। तो सुनिए, खंडोबा जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर 2 राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। इन राक्षसों का नाम था मल्ले और मणि। इन राक्षसों का अंत करने के लिए शिव जी ने मार्तंड भैरव जी का अवतार लिया था। खंडोबा खंडेराय, मल्हारी, मार्तंड आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश में यहां के अधिकतर निवासी खंडोबा जी को कुल देवता के रूप में मानते हैं। साईं बाबा जब एक बारात के साथ शिरडी पहुंचे और खंडोबा जी के मंदिर के सामने गए, तो मंदिर के पुजारी श्री महालसा पति जी ने बाबा को, जो कि एक फकीर के रूप में थे, आओ साईं कहकर पुकारा और तभी से बाबा का नाम साईं हो गया। महालसा पति जी के परिवार से अभी भी नई पीढ़ी के लोग यहां पूजा अर्चना करते हैं। पेट में चूहों ने कूद कूद कर याद दिलाया कि प्रसादालय में जाकर स्वादिष्ट प्रसाद भी तो ग्रहण करना है। तो हम पहुंच गए साईं प्रसादालय। साईं बाबा स्वयं खाना बनाकर गरीबों को खिलाते थे और आज भी साईं प्रसादालय में हजारों भक्तों को प्रसाद भोजन के रूप में परोसा जाता है। जहां थर्सडे होने के कारण भक्तों की संख्या बहुत अधिक है, तो हमने फटाफट फर्स्ट फ्लोर के हॉल के कूपन ले लिए। आपको बता दें, भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है श्री साईं प्रसादालय, जिसे सन 2009 में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। प्रसादालय को बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान का सदुपयोग किया गया है समाज के कल्याण के लिए। और वह विज्ञान है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड किचन। प्रसादालय के 4 छतों पर 73 बड़ी बड़ी सोलर डिश लगी हैं। इस सोलर डिश एनर्जी से स्टीम तैयार होती है और उसी स्टीम से यहाँ भोजन तैयार किया जाता है।
प्रसाद आलय के ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल डाइनिंग हॉल है जो कि 11,550 स्क्वायर फीट साइज का है, जिसमें 3,500 भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 60,000 भक्तों को प्रसाद परोसा जाता है, जो कि फेस्टिवल के दिनों में 1,00,000 तक पहुंच जाता है। फर्स्ट फ्लोर के डाइनिंग हॉल के लिए कूपन खरीदना पड़ता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर यह फ्री होता है। प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात हमारा इस यात्रा का अगला पड़ाव है साई हेरिटेज विलेज। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हेरिटेज विलेज का पड़ाव पार करेंगे अगले वीडियो में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना ना भूलें। घुमक्कड़ी जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन करना ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।